हे डियर, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम रैन एंड मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। ये बुक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट वन में पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं एंड पार्ट टू को भी मज़ीद डिवाइड किया गया है फोर पार्ट्स में। पार्ट वन जो है वो है एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। पार्ट टू में करेक्ट यूजेज एंड पार्ट थ्री में स्ट्रक्चर, पार्ट फोर में रिटन कंपोजिशन। फिलहाल हम इस पार्ट को टच करेंगे, एनालाइजिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। आगे बढ़ने से पहले इसका मतलब जान लेते हैं। एनालाइजिस का मतलब है ब्रेक डाउन करना या एग्जामाइन करना किसी भी वर्ड को, उसको मज़ीद पढ़ना, उसके हिस्सों में देखना, सेंटेंस को। हम सेंटेंस की एनालाइजिस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है टू चेंज फॉर्म, उसकी फॉर्म को चेंज करना। और सिंथेसाइज का मतलब है दोबारा से रिक्रिएट करना, दोबारा बनाना। एनालाइज मतलब ब्रेक डाउन करना, फिर उसकी फॉर्म चेंज करना, फिर दोबारा से सेंटेंस बनाना। इस प्रोसेस में जो है सेंटेंस में बहुत फ़र्क आ जाता है। नंबर वन टॉपिक है हमारे पास एनालाइजिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ सेट और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कम्प्लीट मीन, कम्प्लीट सेंस। ये वर्ड्स का मजमुआ होता है जो कम्प्लीट सेंस दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस की जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेंटेंस भी पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट जो जिस पे काम हो रहा हो, डूअर ऑफ एन एक्शन। प्रेडिकेट का मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट के बारे में ही बताए, उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है डॉग्स बार्क। डॉग्स जो है वो सब्जेक्ट है, डॉग ये सब्जेक्ट है, ये काम कर रहा है। और बार्क जो है, बाकी जो भी सेंटेंस फर्स्ट नाउन को अलग किया और बाकी जो भी हिस्सा बचा उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं। जब हमने सेंटेंस की एनालाइज की, हमें पता चला कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द सन गिव्स लाइट। द सन जो है वो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट जो भी बचा, बाकी वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे पास बचे, उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। प्रेडिकेट इज़ व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग्स डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट का मतलब है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। सब्जेक्ट में आ जाता है वर्ड नाउन, नाउन जो है वो सब्जेक्ट में आ जाता है और प्रेडिकेट में बाकी जो बचे वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाता है। प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड। इसमें वन वर्ड भी हो सकता है और सेवरल वर्ड भी हो सकते हैं। एग्जांपल को देख लेते हैं। नंबर वन में डॉग बार्क्स, इसमें हमारे पास एक ही प्रेडिकेट था। सब्जेक्ट में भी एक वर्ड या मज़ीद वर्ड्स आ सकते हैं और प्रेडिकेट में भी वन या सेवरल वर्ड्स आ सकते हैं। ये हमारे पास हुआ डॉग्स। डॉग्स सब्जेक्ट है, एक वर्ड, और यहाँ पे द आर टू प्रिपेयर लेसन, इसमें हमारे पास फोर वर्ड्स, फाइव वर्ड्स इंक्लूड हैं सब्जेक्ट में। और हैज़ अराइव्ड, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह मज़ीद सब्जेक्ट को भी डिवाइड किया गया है हिस्सों में। जब हम सब्जेक्ट की एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट भी दो हिस्सों में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट को भी। एक हमारा मेन सब्जेक्ट और दूसरा हमारा इनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट। दूसरे हिस्से को कहा जाएगा इनलार्जमेंट और एट्रीट्यूट, मतलब कि सब्जेक्ट को भी और क्वालिफाई किया गया है और सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू ब्रूम स्वीप क्लीन। न्यू जो है वो हमारा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब के सब्जेक्ट को ही मज़ीद बयान किया गया है। सब्जेक्ट हमारा ब्रूम्स और न्यू जो है वो एट्रीब्यूट। डॉग्स बार्किंग सेल्डम बाइट्स, ये पूरा एक सेंटेंस है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, डॉग जो है हमारा सब्जेक्ट है, बार्किंग एट्रीब्यूट और बाइट सेल्डम बाइट जो है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह जब हम वर्ब की एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वर्ब भी दो हिस्सों में डिवाइड है, एक एक्सटेंशन हिस्सा है और एक मेन वर्ब। जो हमारा एक्सटेंशन का मतलब यही है कि क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफाई किया गया हो किसी वर्ड को, वर्ब को। फॉर एग्जांपल, वर्ब को भी एक मेन वर्ब और एक एक्सटेंशन
एक्सटेंशन मीन वर्ब जो है दो हिस्सों में डिवाइड है, मेन वर्ब, और एक्सटेंशन मीन मज़ीद बताना किसी मज़ीद उसका हिस्सा, मज़ीद पार्ट वर्ड का। एग्जांपल देख लेते हैं, द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवियर। फ्लेम्स जो है हमारा सब्जेक्ट, स्प्रेड वर्ब, और एवरीवियर जो है एक्सटेंशन और द एट्रीब्यूट। जब हम पूरे सेंटेंस की एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंक्लूड है। उसको और मज़ीद डीप में हम एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि सब्जेक्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक इनलार्जमेंट और मेन सब्जेक्ट। और अगर और मज़ीद करेंगे तो हमें पता चलेगा जो वर्ब है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड है, एक एक्सटेंशन और एक मेन वर्ब। अब ये देखते हैं, द फ्लेम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन। इसमें द जो है एट्रीब्यूट मतलब सब्जेक्ट का पार्ट, फ्लेम्स जो है सब्जेक्ट खुद, और वर्ब जो है स्प्रेड आ गया, और बाकी जो भी तमाम बचा वो हम कहेंगे एक्सटेंशन मीन वर्ब का पार्ट। इसी तरह हमें दूसरी वीडियोस भी लेके आऊँगी जिसे आपको और नॉलेज मिलेगी।